सासाराम हिंसा में हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी जवाहर प्रसाद के घर से हुई। इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जानिए उनका क्या कहना है। ये तो मैं पहले से कहता रहा हूँ कि बीजेपी की षड्यंत्र है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान का और हिंसा फैलाने इनका काम है। रामनवमी नाम का है और ज़्यादा उसमें टारगेटेड मुसलमान और मुसलमान की संपत्ति को नष्ट करने और एक दूसरे के भाईचारे को ख़त्म करने का इनका प्लान पूरे देश में चल रहा है। बिहार का भी उसी में चला गया, सासाराम और बेगूसराय में, ये जो बिहार शरीफ में हुआ है, बिहार शरीफ में भी बेगूसराय के नौजवान आए थे जो बीजेपी के बजरंग दल के थे, यहाँ भी वैसी हाल है। पकड़ाया, अरेस्ट होगा, सरकार काम कर रही है। उन्होंने, सरकार ने कहा था कि जो भी इसमें हिंसा में भाग लिए हैं और उसको निश्चित रूप से हम पकड़ेंगे। बेगूसराय के 100 नौजवान आए थे वहाँ हिंसा फैलाने के लिए और हिंदू मुसलमान करने के लिए, और यहाँ भी इसी तरह की घटना, क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश है, कहीं ना कहीं वो टारगेटेड हुआ और वही जो जिला में इस तरह के हुआ, हमारे मनेर में भी करने के प्रयास किया, लेकिन मनेर की जनता जागरूक है, मनेर की जनता के सामने उन लोगों का दाल गला नहीं। ये राजनीतिक दुर्भावना से ये निर्णय लिया गया है। जवाहर प्रसाद 5 बार के विधायक हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं और वो उस जुलूस में शामिल थे जिस जुलूस में राम भक्तों पर पथराव हुआ। क्या राम भक्तों ने अपने जुलूस पर खुद पथराव कर दिया? कौन लोग थे जिन लोगों ने अपनी छतों पर पत्थर इकट्ठा कर रखा था? कौन लोग थे जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थर फेंका? बम विस्फोट किस इलाके में हुआ? कौन लोग थे जिनके घरों में बम विस्फोट हुआ? तो उनको गिरफ्तार करने के बजाय जो लोग शांति व्यवस्था में लगे हुए थे उनको आपने गिरफ्तार कर लिया 1 महीने के बाद, जिनका न तो FIR में नाम था न कहीं दंगा भड़काने में जिनकी कोई भूमिका थी। केवल इसलिए आपने गिरफ्तार किया है ताकि कल ये प्रचार कर सकें कि देखिए बीजेपी की साजिश थी बिहार को दंगों की आग में झोंकने के लिए। तो बीजेपी दंगों की राजनीति नहीं करती है। तो ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी की गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।